गाली देना कांग्रेस का इतिहास। सारी गालियां मिट्टी में मिल जाएंगी, कर्नाटक के बीदर में बोले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हां, आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बीदर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि देश के लिए काम करने वालों को गाली देना कांग्रेस का इतिहास रहा है। मुझे भी कांग्रेस ने गालियां दी हैं, सारी गालियां मिट्टी में मिल जाएंगी, कर्नाटक की जनता इन गालियों का जवाब वोट से देगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कांग्रेस के लोगों ने 91 बार मुझे अलग अलग गालियां दी हैं। इतनी मेहनत कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए क्या होता तो कांग्रेस की हालत सुधर जाते। कांग्रेस के लोग सुन लें, अपने जब जब गाली दी है तो जनता ने आपको ऐसी सजा दी कि आप उठ कर के खड़ा नहीं हो पाए। इस बार भी कर्नाटक की जनता गाली का जवाब बोर्ड से देगी। इससे पहले उन्होंने भाषला की शुरुआत करते हुए कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि इस विधानसभा चुनाव में मेरी शुरुआत बीदर से हो रही है। बीदर का आशीर्वाद मुझे तब मिला जब मैं पीएम पद का उम्मीदवार बना था। आज इतनी बड़ी संख्या में यहां आकर के अपने देश को संदेश दिया है कि इस बार भाजपा सरकार, ये चुनाव कर्नाटक को देश में नंबर 1 राज्य बनाने का चुनाव है। दोस्तों आपको बता दें, उन्होंने कहा कि आप सब एक ऐसा कर्नाटक चाहते हैं जहां हाईवे और एक्सप्रेसवे का विस्तार होता रहे, जहां मेट्रो की सुविधा और ज्यादा जिलों तक हो, जहां और भी अधिक संख्या में वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें चलें, जहां हर खेत में सिंचाई की आधुनिक सुविधा हो। पिछले 5 वर्षों में सामान्य मानवी ने कर्नाटक के विकास की रफ्तार देखी है, वो रुकना नहीं चाहते और आपके इन सपनों को पूरा करने का बीड़ा बीजेपी ने उठाया है। जब तक कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार रही, उसने गरीबों के घर बनाने की रफ्तार धीमी कर दी। डबल इंजन की सरकार बनने के बाद कर्नाटक में गरीबों को 9 लाख के आसपास पक्के घर मिलना तय हुआ है। भाजपा ने बीदर में करीब 30,000 घर बनाए हैं, यानी बीदर की 30,000 बहनों को हमने लखपति दीदी बनाया है।